हिंदी सिनेमा जगत के अभिनेता मिथुन दा जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहे। इनकी पर्सनल लाइफ रहस्यों से भरी पड़ी है, जहां श्रीदेवी और इनके प्यार के किस्से जग जाहिर है, जिनमें इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी की थी पर शादी ज्यादा नहीं चली। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, श्रीदेवी से शादी करने से पहले इन्होंने दो शादियां भी तो की थी? जी आपने सही सुना, जिनमें से एक पत्नी के बारे में आप जानते हैं जिनका नाम योगिता बाली है, पर क्या आप इनकी पहली पत्नी के बारे में जानते हैं? वो कौन है, क्या करती है, कैसी दिखती है? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना और मिथुन दा के लिए वीडियो को लाइक कर दो। हिंदी सिनेमा जगत के डिस्को डांसर मिथुन दा ने अभिनेत्री योगिता बाली से 1989 में शादी की, जो किशोर की तीसरी पत्नी थी। लेकिन उनसे पहले भी इन्होंने किसी से शादी की थी। जिनसे इन्होंने जब पहली शादी की थी उसका नाम था हेलेना ल्यूक, जो 70 के दशक में फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थी। पर मॉडलिंग करियर में गिरावट आने के बाद इन्होंने अपना रुख फिल्मी जगत की ओर कर लिया। इस तरह 1980 में फिल्म जुदाई में बतौर सहायक अभिनेत्री इन्होंने काम किया। इस फिल्म के बाद इन्होंने फिल्म में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम करना जारी रखा। उन दिनों मिथुन दा का अफेयर अभिनेत्री सारिका के साथ था, लेकिन सारिका से ब्रेकअप होने के बाद वो अब नए सहारे की तलाश कर रहे थे। तभी एक अवार्ड फंक्शन में इनकी मुलाकात इनसे हो गई और इनसे पहली नजर में प्यार हो गया, तो दोनों साथ में समय बिताने लगे। मिथुन जितना इनके प्यार में पागल थे उतना ये नहीं थी। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक इन्हें शादी के लिए मनाया करते थे, और उनके दिल में अपने लिए इतना प्यार देख कर इन्हें भी उनसे प्यार हो गया। इन दोनों ने बिना किसी को बताए 1979 में शादी कर ली और ये शादी 4 महीने चली। शादी के कुछ समय बाद मिथुन का दिल अभिनेत्री योगिता बाली पर आ गया। अब इन दोनों के अफेयर के बारे में जब पता चला तो उन्हें बड़ा धक्का लगा, जिसके चलते वो काफी परेशान रहने लगी। 1980 में इन्होंने अपनी और मिथुन की शादी के बारे में मीडिया को बता दिया, जिसके बाद उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया। इस घटना के बाद कुछ समय बाद इन दोनों के तलाक की खबरें सामने आई और जल्दी इनका तलाक हो गया। तलाक के बाद इन्होंने उनके पैसे और जायदाद नहीं मांगी, क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उनकी मदद के बिना भी एक सफल एक्ट्रेस बन सकती है। इसलिए इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, वो सफल नहीं हो पाई और अचानक ही फिल्म दुनिया से गायब हो गई। खबरों के माने तो वर्तमान में ये न्यूयॉर्क में रह रही है और डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही है। ये अपने फेसबुक अकाउंट पर अक्सर अपनी तस्वीरें अपलोड करती है, जिन्हें देखकर लगता है कि अपनी जिंदगी खुशहाली में बिता रही है। तो दोस्तों आपको इनकी पहली पत्नी के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है मिथुन ने इतनी अच्छी अभिनेत्री को छोड़कर इनका अपमान किया है? अपनी राय कॉमेंट में दीजिए और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।